राज ठाकरेंच्या सभेपूर्वी एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत। शरद पवारांकडून राज ठाकरेंना मोठं करण्याचा प्रयत्न केला जात असून हा शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप इम्तियाज जलील यांनी केलाय। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिनके पास ये मंत्रालय है उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये कहना था कि ईद के वक्त में आपको यहां पर आकर ये शरारत करने की क्यों जरूरत है, आपने जाइए ईद के बाद करिएगा, 5 तारीख को करिए, 7 तारीख को करिएगा उसमें। लेकिन हमको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमजोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे करके। तो इसमें जो घटिया राजनीति खेली जा रही है उसमें इस शहर के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।